ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरे देखो। अरे सो गुड। M&M's हैं, चॉकलेट्स हैं, और ये ट्विक्स मेरी फेवरेट। आज तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खरीत से होंगे और फिट होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, काम बहुत ज़्यादा था, और मुझे इस टाइम लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैं देखता हूँ मेरे फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। पुलाव बना हुआ है, और जो कि मेरे ख्याल से मेरी सेकी को गोटियां भी खा गया। तो रोटी मैंने खा ली है क्यों, और लेकिन ये जो मेरे कमरे में खिलारा मचा हुआ है ना, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। ये देखें, कपड़े मेरे सारे धुले पड़े हैं, लेकिन ये एक जगह पे तरतीब से नहीं पड़े हुए। ये एक जगह पे जब कपड़े तरतीब से ना पड़े हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट क्लाउन विग। मैंने थोड़ा सा इसको हिलाया और ये कपड़े मेरे सारे नीचे गिर गए हैं। इनको मैं कल सुबह तरतीब से रखूंगा, कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। सोने जा रही है, बहुत ज़्यादा नींद। ये मजे मजे की चीज़ें, ये चिप्स हैं, ये भटूरे, और ये दही भल्ले, गोलगप्पे, समोसे, और ये गोलगप्पों का पानी। वाह, यमी फॉर माय टमी। मैं कैसे लग रहा हूँ मामा जी? नजर उतारे, मेरी नजर नजर उतारे। काला टीका लगाए मुझे यहाँ पे। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरे देखो। अरे साला मैं तो साहब मौसम वैसे कितना अच्छा हो गया, ठंड सी हो गई मामा, है ना? गुड टू बी ट्रू। ये मेरे लंच में है आज, जो मैं रोज अपने लेके जाता हूँ दफ्तर पे, रोटी और अंडा। क्योंकि ये मेरे 100 KFC के बर्गर मुझे अगर खिलाए जाए ना, तो इसका जो टेस्ट है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये बचपन में हम लोग रोटी और अंडा लेके जाते थे, पराठा और अंडा, लेकिन मैं घी नहीं लगाता। सो गुड। नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया इसमें। तो अभी मैं आया हूँ काम से और बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सांस ले लो, बाहर सर्दी भी बहुत है। अच्छा, सबसे एक अच्छी चीज़ आज मुझे मेरे ऑफिस में एक सबसे अच्छी दोस्त है मेरी, बिल्कुल आप कह लें कि बहनों की तरह, उसने मुझे आज ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। ये इतना प्यारा गिफ्ट है, इसमें कुछ चॉकलेट्स हैं, और इसमें मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, और ये M&M's हैं। वाओ, परफेक्ट, आई जस्ट लाइक इट। ये देखिए, वाओ, दिस लुक्स नाइस बाय द वे। इसमें ऑलमंड्स हैं, M&M's हैं, चॉकलेट्स हैं,
और ये ट्विक्स मेरी फेवरेट। आज तो मुझे अनुमे पहुंच करवा दी है ये देख के। चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो ये एक फाइनली चीज़ थी जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, सोन हलवा, जो कि सर्दियों की एक बड़ी बड़ी मशहूर और बड़ी मतलब आप कह लें कि ख़ास सौगात है। तो सर्दियों की नहीं, यहाँ रूटीन में भी आप खा सकते हो, लेकिन सर्दी में ज़्यादा मज़ा आता है चाय के साथ, आपको सर्दी लग रही हो गरम गरम चाय के साथ। तो इसका मुझे बड़ा इंतज़ार था इस सोन हलवे का, और फाइनली मुझे आज ये मिल गया है दराज से। मैंने ऑर्डर किया हुआ था 5-6 दिन पहले, तो मुझे मिल गया। तो लुक्स वेरी यमी, मैं इसको करा ये। इसकी साइज़ थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा 600 रुपये का ये है, मुझे लगा थोड़ा सा साइज़ इसका तकरीबन इतना तो होगा, लेकिन ये भी ठीक है, चलेगा मेरे को। तो और आज सुबह से हमारी लाइट भी नहीं है, 9 बजे की गई हुई है, और अब इस टाइम 12:15 हो रहे हैं। मैंने अभी नाश्ता किया अपना और सुस्ती चढ़ी हुई है, दिल चाह रहा है कि फिर से सो जाऊं, लेकिन फिर काम भी करने हैं। सोच रहा हूं कि एक घंटे के लिए आंख लगा लूं, नींद नहीं पूरी होती ना मेरी। ये मैं भी घर आया हूँ, तो ये बना हुआ है शलजम और गोश्त का सालन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और साथ में ये रोटी। तो जिस चीज़ से खाना है, शलजम लाएं, मटन लाएं और अपने घर पे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खाने लगा हूँ जी रोटी। आज दिन बहुत हैक्टिक था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे फिर से प्यार देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।